नौजवान नस्ल को सीधा रास्ता दिखाने और बुराई से बचाने के उद्देश्य से राजस्थान के कलाकारों द्वारा बनाई गई फिल्म समर कैंप की टीम ने मंगलवार को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और चादर फूल पेश कर फिल्म की कामयाबी की मन्नत मांगी। 2 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म में राजस्थान के कलाकारों में अजमेर के कलाकार दक्ष शर्मा और शिमोन गर ने काम किया है, जिसकी राजस्थान और नासिक में शूटिंग की गयी। फिल्म के सीनियर एक्टर पृथ्वी जुष्टी ने बताया कि देश की नौजवान नस्ल के उज्ज्वल भविष्य के संदेश के लिए फिल्म समर कैंप का निर्माण किया गया। दरगाह जियारत के बाद सूचना केंद्र के सामने एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता रखी गई। मशहूर सीनियर अभिनेता पृथ्वी जुष्टी ने फिल्म धड़कन, ताल, हिट स्टोरी, दिल का क्या कसूर जैसी कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया। साथ ही अभिनेता मनीष गर्ग ने अमिताभ बच्चन के साथ मेजर साहब और कई टीवी शो में अभिनय किया है। जिस तरह से फिल्म का नाम है समर कैंप, ये एक बच्चों की फिल्म है, बच्चों पर आधारित है। सारे जो घटनाक्रम होते हैं इस फिल्म में वो बच्चों के आसपास होते हैं। जैसे सीनियर एक्टर्स पृथ्वी जी और मनीष भाई ने जो आपको बताया है कि किस तरह से शहर के बच्चे और गांव के बच्चों का एक मेल है इसमें, और जब एक दोस्ती वाला फैक्टर आ जाता है, जब एक यूनिटी वाला फैक्टर आ जाता है, तो किस तरह से छोटे बच्चे भी एक बड़े से बड़े सत्य को उजागर कर सकते हैं, एक अजब सी ताकत आ जाती है उसमें। तो ये फिल्म ने वही दिखाया है। फिल्म एक आपको गुदगुदाएगी हर पल, और आई एम श्योर फिल्म में आपके चेहरे पे स्माइल होगी तो आंखें नम भी होंगी। तो बहुत कुछ है इस फिल्म में। सर, इसके सिवा आपने कौन कौन सी फिल्में इससे पहले, मेरी 2 साल पहले एक फिल्म आई थी जो कि आउट एंड आउट कमर्शियल थ्रिलर फिल्म थी, खेल तो अब शुरू होगा, जो ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हुई थी। उसमें रुस्लान मुमताज थे, उसमें देवशी खंडूरी उसमें एक्ट्रेस थी, तो वो थ्रिलर जॉनर में थी। उससे पहले एक मराठी फिल्म की थी, वीरात वीर मराठा, वो भी एक एक्शन पैक्ड रिवेंज फिल्म थी। सर, अभी जो मीटू वाला लफड़ा चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मीटू अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। ये मेरे ख्याल से एक किसी का पक्ष लेना मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज कहीं मैं देखता हूँ कि इट्स बहुत मुश्किल है कह पाना इसके बारे में, बिकॉज हम अगर एक वुमन के नज़रिए से देखें तो ये लगता है कि ठीक है, एक सच्चाई सामने आ रही है तो बहुत सही है, लेकिन हम दूसरे नज़रिए से देखें कि वो कितनी सच्चाई है, उसमें ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो मेरा यही मानना है कि एक न्याय हो, और न्याय सिर्फ कोर्ट में ही नहीं होता, बाहर भी हो सकता है न्याय, तो एक सबको एक न्याय मिले, किसी के साथ गलत कहीं से भी नहीं होना चाहिए। आपने जो फिल्म की, ये आपका इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या सोच के लिखी, बिकॉज क्या जब आपको लिखने का वक्त आता है, जब आप सबसे पहले फिल्म बनाने का सोचते हैं कि एक फिल्म बनाई जाए, तो आपको बड़े सारे इस तरह के थॉट आते हैं कि क्यों ना एक कमर्शियल बनाई जाए जिसमें कुछ भट्ट साहब का कुछ जीरोक्स बना के लोगों तक परोसा जाए, और क्योंकि उसमें फिर एक्शन भी होगा, ड्रामा भी होगा, सब कुछ होगा। ये तो बड़ी लुभावने वाली चीज़ें होती हैं, बट हमने एक मुझे लगा कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ बनाए जो दिल से निकले और जिसमें कहानी प्रधान है और एक कुछ ना कुछ संदेश पहुंचे लोगों तक। ये कहानी एक वन लाइनर आया, थॉट आया, मैं और राजेश हम लोग बहुत डिस्कस करते थे कि क्यों ना हम एक बच्चों पे फिल्म बनाएं, क्योंकि बच्चों पे कोई नहीं सोचता, कोई बनाता नहीं है, ये सब लोग जोड़ तोड़ गुणा वो जो प्लस माइनस में ही बिजनेस के उसी में ही डूब जाते हैं। हमने कहा हम वो नहीं सोचेंगे कि हमें क्या कमाना है, हम कमाएंगे नहीं कमाएंगे बात की बात है, लेकिन हम कुछ दिल से बनाएंगे, क्योंकि फिर दिल से बनाई हुई चीज़ तो सर दिल तक पहुंच ही जाती है। सर, रिलीज कब होगी? ये 2 नवंबर है, हम लोगों की डेट में थोड़ा सा एक हफ्ते आगे सरके हैं हम लोग। 2 नवंबर हम अब फिक्स मान रहे हैं। अब हम आजकल, पहले तो विक्रमादित्य फिल्म के बैनर बनती थी तो हम वी बनाते थे, अब ये वी के साथ में 2 नवंबर भी बोलना शुरू किए मैं होते हैं। तो हमारे फिल्म के अंदर हमने यही बताया कि कैसे शहर के बच्चे पहले बहुत रिलेक्टेंटली आते हैं कि यार अब गाँव में क्या करेंगे, कीचड़ गादे के अंदर ये सारी इतनी सुविधाएं छोड़ के, बाद में दे इंजॉयड और दे लव्ड, और प्यार मोहब्बत जो है उन दोनों आपस में, उस दो कम्युनिटीज समझ लें आप, उनमें जो मिला वो
बहुत बड़ा संदेश है कि हाँ इस तरह का एक्सपेरिमेंट हो सकता है। लेकिन समर कैंप बच्चों के बारे में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, जो बहुत दिनों के बाद इस तरीके की फिल्म आ रही है। बच्चों के वैसे भी बच्चों के लिए बहुत कम फिल्में बनती हैं, बहुत अच्छी फिल्म है और ज़रूर देखिएगा आप लोग 2 नवंबर को। मैंने इसमें एक विलेन का किरदार किया है जो बच्चों को हमेशा परेशान करता रहता है और गाँव के बच्चे शहर के बच्चे उनमें यूनिटी होती है। जैसा पदवी जी ने बताया कि जो बच्चे आते हैं शहर से वो कंप्यूटर और इंटरनेट इन सब चीज़ों पे ज़्यादा उनका फोकस होता है, तो जब समर कैंप में आते हैं गांव के बच्चों से जुड़ते हैं और कैसे वो मिलके हम लोग जब कब्जा करना चाहते हैं उनके आश्रम पे, कैसे हम लोगों को धुनाई करते हैं, कैसे हम लोगों को एक्सपोज करते हैं, बसते हैं हमसे, यूनिटी बहुत अच्छा बताया गया है। और फिल्म ज़रूर आप लोगों को 2 नवंबर को देखनी चाहिए। सर ये तो आपके आने वाली फिल्म है, कोई सीरियल जो आपके आने वाले? मैं एक और फिल्म भी मेरी आ रही है चल जा बापू, वो भी 26 अक्टूबर को है। तो 2 फिल्में एक साथ हैं, बाकी सीरियल्स तो मैंने बहुत किए हैं, आप बीती है, सुराग, सर, हेलो इंस्पेक्टर, मंजिलें, तो बहुत सारे हैं, फिल्म भी हैं, मेजर साहब है, तो और ये फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, तो बिल्कुल देखिए आप लोग और मज़ा आएगा, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताज़ा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।